हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फाइनल वर्कशीट एमसीक्यू वर्कशीट 5 करेंगे। आपको पता होगा पहली वीडियो अगर आपने देखी होंगी, हम 3 वर्कशीट ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर 1 की, और आज ये फाइनल वर्कशीट ख़त्म करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम। जो जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं हम उन सबको फिनिश करके, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के हैं जो इस चैप्टर के वो बनते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी पे ये वाला, इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117। तो सभी बच्चे को पता होगा कि 65 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 5 × 13 आएंगे, और अगर मैं 117 के फैक्टर करूँगा तो 3 × 3 × 13 आएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HCF की, तो HCF में 13 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो इसका HCF 13 आ जाएगा। तो ये कह रहा है इस HCF को इसकी फॉर्म में रख रहे हैं, मतलब मैं इक्वल टू 13 रख सकता हूँ। मैं 117 इधर आके माई ऐड होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 65M बराबर 13 + 117 130 हो जाएगा, और M की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम सीधे सा HCF निकाल के और इक्वल टू इक्वेशन रख सकते हैं अगर हमारा MCQ वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आया है, आगे भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और आप गलत नहीं करोगे, उम्मीद है मुझे पूरी। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। ऐसे क्वेश्चनों का तरीका ये होता है हमारे पास, जो रिमाइंडर दे रहा है रेस्पेक्टिवली है, तो इसमें से मैं -5 जो इसका रिमाइंडर वो माइनस कर दूंगा, तो 65 बचा। 125 में से 8 का रिमाइंडर मैं माइनस करूंगा तो 117 बचेगा। अब एक चीज़ देखते हैं कि HCF निकालेंगे LCM निकालेंगे। ये कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, वो नंबर इनको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा वो नंबर, तो नंबर इनसे छोटा होगा, और जब भी छोटा नंबर निकालने की बात आती है तो हम निकालते हैं HCF। तो इनका HCF मैंने अभी पिछले क्वेश्चन निकाला था, 65 और 117 का HCF 13 आया था, तो 13 ही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इसका HCF पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें सिंपल तुम्हें ये दिख रहा है कि A और B का HCF निकालना है, तो X और Y है। अब X की हाईएस्ट पावर कॉमन है 1, क्योंकि X की पावर 3 है यहाँ पे X पावर 1 है तो 1 आएगा, यहाँ Y की स्क्वायर और यहाँ Y का क्यूब है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो XY स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगला भी ये सेम ये क्वेश्चन है, LCM वाला है। LCM में क्या करते हैं हम, LCM में मैं यहाँ पे A और B लिख लूँगा। अब A की हाईएस्ट पावर कितनी है, P में देखोगे तो A की हाईएस्ट पावर है 1, और Q में देखोगे A की हाईएस्ट पावर 3, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 है, तो मैंने A की हाईएस्ट पावर 3 लगा दी। B की हाईएस्ट पावर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2। पावर को ऐड नहीं करना है, दोनों में वैसे ये चेक करना है कि हाईएस्ट किस में है, तो A की पावर 3 B की पावर 2, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर, ये हम कर चुके हैं पहले ही, एक नॉन जीरो रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल ही होगा। द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10 दोनों इंक्लूसिव, लीस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने का मतलब है LCM, तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का LCM निकालेंगे हम। और इसके लिए मेथड रहेगा हमारे पास, जैसे 10 सबसे बड़ा लेते हैं, 10 के अंदर 10 को ही मैंने LCM मान लिया, तो 5 और 2 आ गया इसके अंदर। अब 5 और 2 आ गया, 9 लेना है तो मुझे 3 और 3 भी लेना पड़ेगा, 8 लेना है तो 8 के अंदर क्या आएगा, 2 × 2 × 2, तो 2 × 1 = 2 आ चुका है, 2 × 2 और ले लेंगे हम, 7 भी लेना पड़ेगा मुझे, 6 के लिए 2 और 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, 5 है 4 है 3 है, सारे नंबर आ गए, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 × 2 = 10 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 40 हो गया, 40 × 7 = 280 हो गया, 280 × 9 करेंगे अगर हम, तो 2520 आंसर आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई से वैसे अंदाजा भी लग रहा है मुझे, इसका आंसर आ जाएगा 2520। तो जब भी ऐसा नंबर आएगा, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, तो हम उन सब का LCM निकाल देते हैं। और LCM निकालने का मेथड होता है कि सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दे जाओ बस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको तुम नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है वैसे तो, बाकी करना चाहते हो, मैंने सिखा भी रखा है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 बनेगी, तो 2
डिजिट बाद हो जाएगा ये वाला। अब आगे एमसीक्यूज ख़त्म हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस किस तरह क्वेश्चन में करने हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है क्वेश्चन हमें, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो वो ज़रूर पक्का आएगा, मैं इसमें सीधा वही क्वेश्चन पर जाऊँगा जो आएगा। सारे क्वेश्चन इसमें से पहले वाले में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यूपी डिवीजन लेवल हमारे पास कट चुका है और मोस्टली पहले क्वेश्चन इसी की तरह के आते थे। यहाँ तक 25 तक तो एक भी क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं। एक क्वेश्चन इसमें से वो ज़रूर आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, प्रूव दैट। तो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल के आप उसको रट सकते हो। रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन कुछ भी आ सकता है। इन क्वेश्चनों को तुम बहुत आराम से कर सकते हो। और आज हमारी ये लास्ट वीडियो है चैप्टर वन की, इसके बाद फिर हम चैप्टर टू की कल से स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, तुम इसके लिए सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हो जो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है। तो इसका एससीएफ 26 का बहुत आराम से कर सकते हो। 27 में हिंट देता हूँ मैं, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है ये, लेकिन रिमाइंडर दिया तो यहाँ से मैंने एक माइनस कर दूंगा, यहाँ दो माइनस कर दूंगा और यहाँ पर मैं तीन माइनस कर दूंगा। तो बेटा इसका आ जाएगा 1250 प्यारे बच्चों, इसका आ जाएगा 9375 आ जाएगा इसका, और उसका 15625 आ जाएगा। फिर उनका एससीएफ हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये 29th क्वेश्चन, ये देखिए एक बार, 28th कर सकते हो तुम। 29th में कह रहा है 12 की पावर n है, तो इसमें तुम अगर 12 की पावर n के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 3 की पावर n। तो अगर हमें 0 या 5 से एंड करवानी है तो उसके फैक्टराइजेशन के अंदर 0 और 5 दोनों आने चाहिए। तुम इसमें लिखोगे कि 12 की पावर n डज नॉट कंटेन 2 और 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 और 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर करते हैं और उनके स्टेप 40, 42 और 45 हैं, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। तो इनका एलसीएम निकालना है तुम्हें 40, 42 और 45 का, और आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा कदमों में। अगला एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो फार्मूला मैंने पढ़ाया था, एक मैंने फार्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबरों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, इसको सब कर सकते हैं। अगला इस वाले को 33 क्वेश्चन को कर लेना तुम, सारे अभी बताया क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 नहीं आ रहा। द नंबर्स 525 और 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई इनसे, तो एचसीएफ बताना है इनका। ये कह रहा है 525 और 3000 दोनों डिविजिबल हो रहे हैं 3, 5, 15, 25, 75 से, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इनका एचसीएफ इनमें जो कॉमन होगा उसी से होगा। अब इनके अंदर अगर तुम देखोगे तो, या फिर तुम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जो मेथड होगा, इसका एचसीएफ 5 और 5, 15, 10, 12, 3 से भी होगा 5 या 15, इसका एचसीएफ 15 होना चाहिए इसका 75, इनसे सबसे डिविजिबल हो रहा है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 75 आ रहा है, 75 आ रहा है। तो 75, 300, 450, 75 आ रहा है। तो देखो जब ये कह रहा है नंबर इनसे सबसे डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो इनमें हाईएस्ट देखना है तुम्हें, तो इनमें हाईएस्ट 75 आ रहा है तो इसका सिर्फ 75 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 3 × 5 × 7 × 7 + 7। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, 7 कॉमन है, बचा क्या 3 × 5 + 1, तो 7 × 3 × 5 कितना हो गया 15 + 1 = 16, जिसके फैक्टर अगर मैं करूँगा तो 7 × 2 की पावर 4 होगा। तो यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन वन फैक्टर होते हैं। तो एक से ज़्यादा फैक्टर अगर हैं किसी नंबर के वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया हमने। तो ये मेथड होता है इसका करने का, कॉमन ले लेना पहले फिर उसको सॉल्व करके दिखा देना। अगला क्वेश्चन, क्या दो नंबर का 18 HCF और 380 LCM हो सकता है? बिल्कुल नहीं, LCM के फैक्टर में LCM है जो हमारे पास, LCM मस्ट कंटेन
HCF, इस रूल को ध्यान रखना। तो अगर मैं 380 के फैक्टर करता हूँ तो उसके अंदर 18 नहीं आएगा, 380 के अंदर 18 कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि 383 से डिविजिबल नहीं होता है। तो तुम इस पे लिख सकते हो कि 383 द फैक्टर्स ऑफ 380 डज नॉट कंटेन 18, ठीक है। 18 के फैक्टर जो भी आपको पता होगा 3 × 3 × 3 × 2 होते हैं, ये नहीं कंटेन कर रहा, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये वाली वर्कशीट हमारी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको पहले चैप्टर में जो मैंने MCQs कराए थे, जो मेरा प्राइम टारगेट था MCQs कराने का, वो आपको समझ में आए होंगे और आप ध्यान से इनको पूरी वीडियो को देखोगे। और पहला चैप्टर कल से हम सेकंड चैप्टर की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।